दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर भारत का एक नामी डिटर्जेंट ब्रांड है। हम में से अधिकतर लोग 90 के दशक में टीवी पर इस डिटर्जेंट का विज्ञापन देखकर बड़े हुए हैं। एक वक्त था जब टीवी पर आने वाला इस डिटर्जेंट का जिंगल लगभग हर उस शख्स की जुबान पर चढ़ गया था जो टीवी देखने का शौकीन था। निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत साल 1969 में हुई थी और तब से लेकर आज तक इस डिटर्जेंट के पैकेट पर एक छोटी लड़की की तस्वीर छपी दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर नजर आने वाली वो लड़की कौन है? क्यों निरमा वॉशिंग पाउडर की पैकेजिंग का डिजाइन बदलता गया लेकिन उस लड़की की तस्वीर कभी भी नहीं हटाई गई? किस्सा टीवी आज आपको निरमा वॉशिंग पाउडर के बनने, इसके सफल होने और इसके पैकेट पर हमेशा उस छोटी लड़की की तस्वीर दिखाई देने की कहानी बताएगा। और हमें पूरा यकीन है कि निरमा वॉशिंग पाउडर की ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। निरमा वॉशिंग पाउडर की सफलता के नायक हैं करसन भाई पटेल। उत्तरी गुजरात के रहने वाले और एक किसान परिवार में पैदा हुए करसन भाई पटेल किसी जमाने में अहमदाबाद में एक सरकारी नौकरी किया करते थे। करसन भाई ने केमिस्ट्री में बीएससी किया था और बीएससी करने के बाद करसन भाई अहमदाबाद की एक बड़ी कॉटन मिल में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम करने लगे। फिर कुछ सालों बाद करसन भाई ने गुजरात के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में नौकरी शुरू कर दी। अपनी इसी नौकरी के दौरान ही करसन भाई को डिटर्जेंट का बिजनेस करने का आइडिया आया था। करसन भाई पटेल की एक बेटी थी जिसका नाम था निरुपमा। करसन भाई प्यार से निरुपमा को निरमा कहा करते थे, यानी निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर जिस छोटी बच्ची की तस्वीर हमें दिखाई देती है वो करसन भाई पटेल की बेटी निरुपमा थी। हालांकि जब स्कूल से घर लौटते वक्त निरुपमा की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी, उस वक्त तक करसन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत भी नहीं की थी। करसन भाई अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। यही वजह है कि जब करसन भाई ने अपना वॉशिंग पाउडर ब्रांड शुरू किया तो उन्होंने अपने ब्रांड को अपनी बेटी निरुपमा को समर्पित किया और अपने ब्रांड का नाम रखा निरमा। दिन भर तो करसन भाई अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे और फिर जब शाम को वो नौकरी से घर लौटते थे तो अपने डिटर्जेंट पाउडर का काम देखते थे। लेकिन अभी उनके सामने चुनौती थी बाजार में अपने ब्रांड की पहचान बनाना, जो कि कोई आसान काम नहीं था। उस जमाने में पहले से ही कुछ डिटर्जेंट ब्रांड्स बाजार पर राज कर रहे थे और वो 13 से 15 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक भी रहे थे। करसन भाई ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपने ब्रांड निरमा वॉशिंग पाउडर को महज 3 रुपए किलो में बेचना शुरू कर दिया और वो भी सड़कों पर। सस्ता डिटर्जेंट पाउडर मिला तो लोगों ने भी निरमा को हाथों हाथ लिया। जल्द ही अहमदाबाद में निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम होने लगा। ये देखते हुए करसन भाई ने अपनी एक टीम बनाई और अहमदाबाद में मौजूद किराने की दुकानों पर निरमा वॉशिंग पाउडर की सप्लाई कराने लगे। करसन भाई खुद भी शाम को साइकिल से निरमा के पैकेट्स दुकानों पर सप्लाई किया करते थे। टीम बनी तो करसन भाई का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने लोगों को उधार ही अपना डिटर्जेंट पाउडर देना शुरू कर दिया, लेकिन उधार देने की उनकी स्ट्रेटजी उन्हें नुकसान दे गई। ज़्यादातर दुकानदारों ने करसन भाई से माल तो ले लिया मगर पैसे चुकाने में आनाकानी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि करसन भाई को बिजनेस में तगड़ा नुकसान होने लगा। हालांकि करसन भाई ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने लिया वो फैसला जिसने निरमा वॉशिंग पाउडर को अहमदाबाद का ही नहीं देश का टॉप डिटर्जेंट ब्रांड बना दिया। दरअसल जब करसन भाई ने महसूस किया कि लोग उनका डिटर्जेंट खरीद तो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं चुका रहे हैं, तो उन्होंने बाजार से निरमा के सारे पैकेट्स वापस मंगा लिए। करसन भाई की टीम से जुड़े लोगों को लगा कि शायद अब निरमा बंद हो जाएगा, लेकिन करसन भाई के दिमाग में एक दूसरी ही रणनीति चल रही थी।
करसन भाई ने चुपचाप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात की और निर्मा वॉशिंग पाउडर का एक टीवी विज्ञापन तैयार कराया। फिर वो विज्ञापन करसन भाई ने दूरदर्शन पर प्रसारित कराया। ये विज्ञापन हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में तैयार कराया गया था। निर्मा वॉशिंग पाउडर का जिंगल मार्केट में कमाल कर गया। लोगों को निर्मा का ये विज्ञापन बहुत पसंद आया और रातों रात देश भर में निर्मा वॉशिंग पाउडर एक डिटर्जेंट ब्रांड के तौर पर स्थापित हो गया। फिर तो वो दुकानदार जो कभी निर्मा के पैकेट बेचकर भी पैसे नहीं चुकाते थे, वो भी एडवांस में पैसे देकर निर्मा के पैकेट्स ले जाने लगे और इस तरह निर्मा वॉशिंग पाउडर देश का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया।